आने के साथ साथ ही अपने साथ हो चुका है गंदा स्कैम। ब्रेक पैड बहुत ज्यादा महंगा आता है, 2500 रुपए का जिसे सामने का ब्रेक पैड है, सेट भी नहीं। अपना कार में इंजन ऑयल चाहिए 3.5 लीटर और अपना बाइक में चाहिए इंजन ऑयल 3.1 लीटर में। आज अपना बड़ा हाथी का सर्विस भाई 1.5 साल में सिर्फ और सिर्फ 5000 किलोमीटर चला है, क्योंकि ना इसको ना सिटी में चलाना बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है भाई, बहुत ज़्यादा हीट होता है। इसमें ना कुछ कुछ मेजर प्रॉब्लम भी आ रहा है, ये जैसे भाई रेस केबल गया है इसका, हैंडल भी ना बहुत ज़्यादा गंदा वोबल करता है। हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? होप यू गाइस आर डूइंग ऑल वेल, वेलकम बैक टू माय चैनल DBS, लेट्स राइड एंड एक्सप्लोर। तो अपना सोसाइटी में ना उस जगह थोड़ा डाउन हो चुका है और वहाँ पे ना जम जाता है पानी, और भाई बाइक में आज कुछ मोटा खर्चा आने वाला है, कि भाई बाइक भी मोटा है और इसमें खर्चा भी होता है, मोटा ही है। तो इसका तो जनरल सर्विस होने वाला है, जो थर्ड सर्विस है, ये 5000 में इसका थर्ड सर्विस हो रहा है, जो होना चाहिए 10000 में। हम लोग ने एक बार 1000 में किया था, एक बार भाई 2500 में किया था, अभी 5000 में करने वाला हूँ। और 2500 वाला सर्विस में ना उसमें इंजन ऑयल चेंज नहीं हुआ था, इसमें अभी चेंज होगा। और बाइक ना अभी बहुत ज़्यादा स्मूथ है, इसको फिर भी सर्विस का तो भाई ज़रूरत है, क्योंकि 5000 किलोमीटर में ना इसका इंजन ऑयल चेंज होता है। और ये हैंडल ना भाई बहुत ज़्यादा गंदा वोबल करता है, 50 या 60 पार करने से ये देखो वोबलिंग स्टार्ट हो गया, बहुत ज़्यादा गंदा वोबल करता है भाई। इसका वोबल ना 4000 किलोमीटर जब बाइक का हो चुका था तब से ये वोबल चालू हुआ है। पहले ना भाई 100-110 में वोबल करता था, फिर 67 में वोबल करता है, अभी तो भाई 40-50 पिकअप मतलब जाने से ना ये बाइक वोबल करना चालू कर देता है। और इसका रेस केबल में भी ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ चुका है, इसमें ना कभी कभी क्रूज कंट्रोल लग जाता है। आज हाल फिलहाल हम लोग जाने वाले हैं चिराग का सर्विस सेंटर में। भाई चिराग से अपना रिश्ता थोड़ा बहुत ही अच्छा है ना, जाने का तो मन नहीं था, पर अपना घर के सामने वही सबसे अच्छा सर्विस सेंटर है। पहले तो हम लोग 4S में जाते थे, अभी 4S हो जाता है बहुत ज़्यादा दूर। हम लोग रहते हैं नॉर्थ गुवाहाटी में और वो है जूरोद में, तो हम लोग का जो चिराग का सर्विस सेंटर है ना वो है जालुकबारी में, तो यहाँ से थोड़ा सामने हो जाता है। मैंने कल फ़ोन करके उन लोग से अपॉइंटमेंट लिया था, तो उन लोग ने 11 बजे आने को बोला था, अभी 12 बज रहा है भाई, 12 बजने 5 मिनट बाकी है, तो लगभग 10-15 मिनट में पहुँच जाएंगे। उसके बाद देखते हैं उन लोग का नखरा क्या क्या चालू होता है। भाई उन लोग का बहुत ज़्यादा नखरा है, इसमें प्रॉब्लम है, उसमें प्रॉब्लम है, अगर किसी में प्रॉब्लम होता भी नहीं है ना फिर भी उन लोग बता देते हैं उसमें प्रॉब्लम है। ओ ये हॉर्न इतना क्यों बजा रहा है, गाड़ी उड़ा के लेके जाएगा क्या? ये चीज ना बहुत ज्यादा गंदा लगता है मुझे इंडिया में, बेफालतू का हॉन्किंग हम लोग के यहाँ पे ना बहुत ज्यादा होता है। मतलब हॉन्क करके क्या होगा भाई, गाड़ी से क्या पंख निकल के आएगा क्या, गाड़ी उड़ा के लेके जाओगे क्या? ये बाइक में ना जब से हैंडल में प्रॉब्लम है ना तब से ना ये बाइक चलाने में ना कॉन्फिडेंस फील नहीं होता। हैंडल ना बाइक का एक मेन पार्ट होता है, उसमें अगर प्रॉब्लम आ जाए ना तो भाई चलाने में तो भाई प्रॉब्लम होगा ही होगा ना। मतलब 60-70 जाने से ना भाई हैंडल ना ऐसे ऐसे कांपता है भाई, बहुत गंदा तरह से कांपने लगता है। चलो जी आके तो पहुँच चुका हूँ, पर यह सर्विस ना थोड़ा खोपचे में है, जैसे हम लोग का नारंगी में सर्विस सेंटर है वैसे ये थोड़ा खोपची में है, तो अगर मतलब थोड़ा ध्यान कम दिया ना तो भाई पार होके आगे चला जाता हूँ। ये रहा, मिल चुका है लेफ्ट साइड में चिराग का सर्विस सेंटर। भाई चिराग नाम सुन के ना डर लगता है, इन लोग भाई गजब तो भी बस इंसान है। चलो बाइक यहीं पे पार्क कर देते हैं, अंदर जाके उन लोग से बात करते हैं। आने के साथ साथ ही अपने साथ हो चुका है गंदा स्कैम। मैंने कल रात को उन लोग को RC भेजा था कि बुकिंग के लिए, तो उन लोग ने भाई बुक नहीं किया, तो उन लोग ने बोला कि ज़्यादा रात हो चुका था इसलिए मैंने बुकिंग नहीं कर पाया। और मैंने बोला तो आज सुबह कर देता, कोई सेम डे बुकिंग नहीं होता है भाई, ऐसा कहाँ पे होता है। तो अभी बोला है कि हाँ बढ़िया टाइम आए हो तुम लोग, हाँ अभी तुम लोग को 2 घंटा बैठना पड़ेगा। मैं क्यों, अभी 12 बज रहे, 12 से 1 तक बैठना पड़ेगा, फिर 1 से 2 बजे तक उन लोग का लंच टाइम होगा। भाई अंदर जाके देखा, रैम भाई खाली है, बाइक सके तो चला सकते हैं उन लोग का टेक्नीशियन नहीं है क्या नहीं है भाई मुझे नहीं पता, पर उन लोग आज हम लोग को बैठाने वाला है, लगभग 4-5 बजे तक तो बैठा ही देगा। और आप लोग देख सकते हैं आज ना इतना ज़्यादा बाइक भी नहीं है उन लोग के पास। चलो भाई बहुत कोशिश कर लिया, पर 2 बजे से पहले अपना बाइक चलने वाला है नहीं, तो देखते हैं। अभी तो लगभग 12:30 बज रहे, 1.5 घंटा भाई वैसे ही फूक गया,
सुबह 2 बजे के बाद देखने को मिलेगा बाइक चलता है कि नहीं। अभी लगभग 1:30 बज रहा है और आधा घंटा बैठना है, उसके बाद अपना बाइक का काम चालू होगा। हाल फिलहाल जो ना बाइक अपना चढ़ चुका है रैंप में, मतलब चढ़ चुका है, उठा नहीं है, अभी भी चरा हुआ है, फिर उठेगा। वो रहा अपना बाइक। हाल फिलहाल टाइम जो है 2:10 हो रहा है, लाइट भी चल चुका है पर कोई लोग नहीं दिख रहे हैं। भाई आज कितना देर लगने वाला है ठीक नहीं है, जनरल सर्विस है, 2 घंटा तो घिस चुका हूँ और कितना घंटा घिसना है वो उन लोग के ऊपर ही है, तो देखते हैं, घिसते रहते हैं। और वर्क स्टेशन है 10:00, बाइक खड़ा है 2:00, टाइम हो रहा है 2:15, काम कर रहा है 1 आदमी। बढ़िया है भाई, बढ़िया है, बढ़िया चल रहा है। चलो भाई फाइनली, भाई 2.5 घंटा रुकने के बाद अपना बाइक का काम फाइनली चालू हो चुका है और भाई को मैंने बोला है भाई पूरा एफिशिएंटली काम करना है, जो चीज़ नहीं चाहिए वो नहीं चाहिए उसको तुम जोर जबरदस्ती मत डालना और जो चाहिए वो भाई डाल देना। फाइनली जो अपना काम चालू हो चुका है और बाइक नंगा होना रेडी हो चुका है। और पहले ना मेरा रेस केबल चेंज हो रहा है, रेस केबल भाई एकदम ही खत्म हो चुका था। मतलब क्या होता है ना एनफील्ड में ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है कि एनफील्ड का इतना रस्ट का बहुत इशू आता है, तो मेरा क्या हुआ था कि रेस केबल के अंदर ही रस्टिंग हो गया था। तो अभी वो एक बार जब रस्टिंग हो गया था भाई उसमें लग जाता है क्रूज कंट्रोल, तो वो थोड़ा रिस्की हो जाता है, इसलिए भाई सोचा है रिपेयरिंग छोड़ो उसको चेंज ही करो। और यहाँ पे ना आप लोगों को कुछ कुछ एक्सेसरीज भी मिल जाता है, तो आप लोग यहाँ से बाय कर सकते हैं और यहाँ पे बाय करने से उन लोग की फिटिंग करके देगा, उन लोग सब कुछ करके देगा। तो अगर आप लोगों को कुछ चाहिए तो यहाँ पे आके आप लोग को बोलिए ये चाहिए, उन लोग लगा के दे देगा। और ये सब एक्सेसरीज जैसे सीट्स, लेग गार्ड, वहाँ पे और बहुत कुछ है, यहाँ पे बेस्ट प्लेट, बहुत कुछ है भाई, आप लोग अगर लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। फाइनली अपना बाइक जो है हवा पे चढ़ चुका है, नहीं भाई ये रैंप पे चढ़ चुका है। तो अभी क्या होगा कि ब्रेक पे इसका सब चेक होगा, साफ होगा, उसके बाद आपका इंजन ऑयल डाउन होगा, एयर फिल्टर चेक होगा, उसके बाद नीचे नमा के भाई ऊपर का काम सब होगा। भाई अपना ब्रेक पे का हालत थोड़ा खस्ता है, लगभग और चलेगा और 4-5 सेकंड चलेगा भाई, एकदम ही कम हो चुका है भाई। इसका ब्रेक पैड बहुत ज़्यादा महंगा आता है, 2,500 रुपये का सिर्फ सामने का ब्रेक पैड है, सेट भी नहीं, सिर्फ सामने का ब्रेक पैड 2,500 रुपया, इसलिए सोचा और 5 सेकंड में चलेगा, चला लेता हूँ भाई, उसके बाद ही चेंज करूँगा। आप लोग अगर चिराग एनफील्ड में सर्विस करने आते हैं तो भाई इस लोंदे से ज़रूर कॉन्टेक्ट करना, इसका नाम है विक्की शाह भाई, बहुत ज़्यादा हेल्प करता है भाई, मुझे भी बहुत ज़्यादा हेल्प किया है, आप लोग भी करिएगा भाई, सबको करता है कि नहीं, सबको सबको करता है ना, मतलब मेरे लिए कुछ स्पेशल नहीं है ना, स्पेशल नहीं है सबको, हाँ भाई ये सबको हेल्प करता है। आप ये रहा उसका नाम विक्की शाह और इसका फ़ोन नंबर आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। और ये रहा वो लौंदा, हाथी ना भाई बहुत ज़्यादा पीता है, पेट्रोल भी और इंजन ऑयल भी। अपना कार में इंजन ऑयल चाहिए 3.5 लीटर और अपना बाइक में चाहिए इंजन ऑयल 3.1 लीटर भाई, तो सोचो इसका पेट कितना भरा है भाई, पेट्रोल भी जैसे पीता है, ऑयल भी वैसे पीता है, मतलब इसका सब कुछ ज़्यादा चाहिए भाई। बैठ बैठ के ना नींद आ रहा है। सो ये है कॉफ़ी नंबर 2, पहला वाला तो नहीं दिखाया, यह चीज़ एनफील्ड में अच्छा है भाई, जब तक बैठा रहो तब तक कॉफ़ी और पानी मिलते रहता है। 12 बजे आके पहुंचा था, 2:30 बजे काम चालू हुआ था, अभी 4:05 बाकी है। एयर फिल्टर का हालात बहुत ही ज़्यादा खस्ता है भाई, अंदर से पूरा काला हो चुका है और यहाँ पे भी धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा। यह चीज़ अच्छा है कि ना एनफील्ड में एक लोहा का केजिंग मिलता है। बाइक जो है अपना फुल्ली नंगपंग हो चुका है, अभी सब काम इसका हो चुका है, अभी सिर्फ फिटिंग करना ही बाकी है भाई, यहाँ पे वीडियो अलाउ नहीं है, फिर भी मैं छुप छुपा के थोड़ा थोड़ा कर रहा हूँ। अपना बाइक जो है ट्रायल होके आ चुका है, बाइक का सिर्फ कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी ये जा रहा है वॉश होने के लिए। 2,000 years later चलो जी अपना काम हो चुका है और विक्की थैंक यू वेरी मच भाई, तुम्हारे लिए बहुत आसान हो गया। अभी तो तुम लोग ने ट्रायल किया था इस रास्ते में ना, अभी घर जाने के वक्त मालूम चलेगा बाइक में क्या क्या प्रॉब्लम है नहीं है, तो ये हैंडल का रस्सा चेंज करवाना ही पड़ेगा ना, नहीं तो एडजस्ट नहीं होगा भाई। भाई इस बाइक का ना सब कुछ महंगा है, सब कुछ महंगा है इस बाइक में। बाइक में हाथ देने के साथ साथ ही एक चीज़ तो बहुत अच्छा लगा कि भाई रेस केबल बढ़िया हो चुका है, बहुत स्मूथ हो चुका है। अभी हैंडल जो है ना, हैंडल में प्रॉब्लम अभी भी फील हो रहा है, और इस बाइक में ना मतलब जितना भी ठीक कर लो ना ये हैंडल वोबल का प्रॉब्लम रहता है, उन लोग ने भी बोला है। ये बाइक ना सिटी के लिए एकदम भी नहीं बना है, सिटी में मतलब राइड करके कुछ समझ में नहीं आ रहा है भाई सर्विस हुआ है कि नहीं है, सिर्फ एक चीज़ समझ में आ रहा है कि इसका रेस केबल चेंज हुआ है ना वो बहुत ज़्यादा स्मूथ हो चुका है और पहले से साउंड थोड़ा स्मूथ हो चुका है। अभी तो हाईवे में चढ़ने के बाद ही मालूम चलेगा,
और बात कर लेते हैं सर्विस एक्सपीरियंस के बारे में भाई। 4SS में ना सर्विस करके ना मन को थोड़ा शांति मिलता था, यहाँ पे भाई एकदम ही शांति नहीं मिलता है। हम लोग आए थे 12 बजे, अभी टाइम हो रहा है 5:35 भाई। एक बाइक मतलब सर्विस करवाने में इतना टाइम लगता है ना। हम लोग ने बाइक चलाया रैंप में लगभग 2:30 बजे, काम शुरू किया 3 बजे भाई, उसके बाद तो एक डेढ़ घंटा लगता ही है बाइक सर्विस होने में। तो ये थोड़ा अगर उन लोग का ठीक हो जाना तो बढ़िया है। मैंने कल रात को बुकिंग किया था, पर बुकिंग करने के बाद भी अगर मुझे इतना टाइम लगे ना तो भाई और क्या बोलूँ। मैंने टाइम भी बोला था मैं 11:30-12 बजे आऊँगा, तो मैं 12 बजे यहाँ पे पहुँच चुका था। आजकल ना अपने यहाँ पे ना बस बहुत गंदा तरह से चलाता है भाई। ये बस तो भाई कैसे गया ना मेरे सामने से उभरते करके, मैं उसका मतलब कटिंग देख के मैं शायद हो गया भाई कि इसको जाने दो। और क्या बोलूँ भाई, बस से एक्सीडेंट आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। रिसेंटली 2 न्यूज़ मिला है कि कुछ दिन पहले खानापारा में एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था बस का, और रिसेंटली कामाख्या के सामने एक्सीडेंट हुआ था। तो भाई वहाँ पे मतलब ऐसा होना नहीं चाहिए। अभी आ जाते हैं कॉस्टिंग के ऊपर, बाइक के ऊपर आज कितना खर्चा हुआ। एक 1750 cc का बाइक के हिसाब से ना ठीक ही था। इसका सर्विस चार्ज हुआ भाई 4251 rupees टू बी अप्रोक्स। तो उसमें ना मेरा इंजन ऑयल था 3.1 लीटर, और एयर फिल्टर था, ऑयल फिल्टर था, और सर्विस किट था। वो सर्विस किट में ना आपका ऑयल फिल्टर आ जाता, और सर्विस किट का दाम है लगभग 1400 रुपया। तो वो सर्विस किट में ना भाई मुझे सिर्फ ऑयल फिल्टर देखने को मिला और कुछ कुछ वॉशर था। तो 1400 रुपये किस बात का दाम है वो उन लोग को ही पता है। फिर भी भाई एक 1750 cc के बाइक के हिसाब से ना इतना प्राइस तो जस्टिफाई कर सकते हैं। हम लोग ने आज रेस केबल भी चेंज किया था, उसका दाम लगभग 400 रुपया था। और भाई ये बाइक में जो वोबल था ना, वो वोबल एकदम जा चुका है, अभी नहीं है, एकदम भी वोबल नहीं है। सिर्फ उन लोग ना थोड़ा अगर जल्दी कर देता तो बहुत ज़्यादा अच्छा होता, पर उन लोग ने बहुत ज़्यादा देरी कर दिया था। मुझे भी थोड़ा जल्दी जाना चाहिए था, 11 बजे या 10:30 बजे तक पहुँच जाना ठीक था, और मैं पहुँचा भी था 12 बजे, तो इसलिए थोड़ा लेट हो गया। फिर भी थोड़ा जल्दी हो सकता था। लास्ट वीडियो में ना कैमरे का एंगल थोड़ा टेढ़ा था, इसलिए मैं आज घर से निकलने से पहले ना पूरा कैमरे का एंगल बढ़िया से सेट करके लाया हूँ भाई। आज का एंगल मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, आप लोग को कैसा लगा कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा। सो गाइज, आज के वीडियो के लिए इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, तो अच्छा लगने से एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे सेफ और जय श्री राम।